अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 17 दिसंबर 2020 और आज का मेरा जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। एक स्टूडेंट की फरमाइश पे कि उससे पढ़ना था ये, तो मैंने आज अपना अल्कोहल पढ़ा रही थी, लेकिन बस ये लेक्चर कंप्लीट करके दोबारा से हम अपने अल्कोहल को ज्वाइन करेंगे। तो नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज हमने देखना है बुनियादी तौर पर, उस यानी कि IUPAC सिस्टम के थ्रू उसके रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम देते हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से भी इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, जो के पानी में डिसॉल्व होने पर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, मतलब ये तब्दील नहीं होते, आइंस में डिसोसिएट नहीं होते। जैसे कि आम तौर पर जो सॉल्ट होते हैं, जो क्लासिकल सॉल्ट होते हैं, लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जैसे, ठीक है, तो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, यानी अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। लेकिन जब हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयन्स में डिसोसिएट नहीं होता है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। इसी बात को हमने यहाँ वर्डिंग में लिख लिया कि दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मैटर्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिकल कंपोजिशन के हवाले से इनकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं डू नॉट डिसोसिएट, इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। अच्छा, अब केमिकल कंपोजिशन के हवाले से देख लें तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन, यानी ये इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो ट्रांजिशन मेटल पर और लिगेंड पर मुश्तमिल होता है। ट्रांजिशन मेटल सेंट्रल एटम होता है कॉम्प्लेक्स आयन का, ठीक है, और लिगेंड जो होता है ये कोई आयन हो सकता है, ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन को हम इस तरह की दो बड़ी ब्रैकेट्स, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो मेटल यानी जो ट्रांजिशन मेटल है और जो लिगेंड है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आता है। ठीक है, और किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट होता है यही सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, और ये किस पर कंप्राइज करता है, ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड पर। अब ये लिगेंड वगैरह क्या होता है ये भी हम आगे डिस्क्लोज करते हैं। काउंटर आयन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ये काउंटर आयन बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स आयन को के चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए मौजूद होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी बातें समझ में आती जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स आयन के भी दो पार्ट हैं, ट्रांजिशन मेटल एंड लिगेंड, और काउंटर आयन भी दो तरह के हैं। ये सिंपल कैटायन यानी ये किसी भी जो सिंपल मेटल्स होती हैं लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वो हो सकती हैं, और एनायन भी हमारा जो सिंपल एनायन है वो कोई भी हो सकता है, लाइक हैलाइड्स होता हो सकता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ट्रांजिशन मेटल जो है वो, क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये डी ब्लॉक चैप्टर जो है वो है ही डी ब्लॉक एलिमेंट से मुतालिक, तो यहाँ जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे और उसमें जो ट्रांजिशन मेटल होगी वो तमामतर डी ब्लॉक मेटल से ही बिलोंग करेंगी, यानी कि हमारी आउटर ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। ठीक है, तो जिसमें क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं स्टनम है, और दीगर जो भी डी ब्लॉक मेटल्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है
इसमें मेटल और जो लिगेंड शामिल हैं ये आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंगेज्ड होते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी बुनियाद पर इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि मेटल और लिगेंड्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए होता है। चूँकि इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कहने की वजह क्या है कि इनमें एक से ज़्यादा किस्म की बॉन्डिंग मौजूद होती है। आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग भी मौजूद होती है, इसलिए ये कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहलाते हैं। चूँकि कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट कोऑर्डिनेट स्फीयर में होता है, इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है। इसलिए लिगेंड्स को हम लुईस बेस भी कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुईस बेस वो स्पीशीज़ जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं, लुईस की बेस की डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसलिए लिगेंड्स को लुईस बेस भी कहते हैं, ठीक है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस सेंट्रल मेटल को, तो यूँ मेटल एक्सेप्ट करती है। इसलिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये एज ए लुईस एसिड बिहेव कर रही होती है, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और लिगेंड उसे डोनेट करता है। इसी बात को हमने यहाँ लिख भी लिया कि लिगेंड्स आर लुईस बेस विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल, हैंस मेटल बिहेव्स एज लुईस एसिड विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज के हवाले से लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाते हैं और दूसरे कहलाते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स पर कोई चार्ज नहीं होता और नेगेटिव लिगेंड्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल में हमारे पास वाटर है, अमोनिया है, कार्बोनाइल CO, नाइट्रोसाइल NO, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। जबकि नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जाम्पल में हमारे पास हैलोजेंस हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑक्सिलेट ग्रुप है C2O4 एंड साइनाइड ग्रुप है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी आगे मैं एक टेबल सा बना दूंगी तो वो आप देख लेंगे उसमें। ये वाली जो क्लासिफिकेशन करी ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की बुनियाद पे की कि न्यूट्रल और नेगेटिव। इसी तरीके से लिगेंड्स को, यानी लिगेंड्स में कितने एटम हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी किसी लिगेंड में कितने एटम हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उस बुनियाद पर लिगेंड्स को हम दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड और मल्टीडेंटेड। मोनोडेंटेड को यूनिडेंटेड भी कहते हैं, जबकि मल्टीडेंटेड को पॉलीडेंटेड भी कहते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, वो लिगेंड्स जिनमें सिर्फ एक एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उन्हें हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर